पास चीज आएगी वो हमारे पास कॉनिक सेक्शन में आ जाती है। अब इसमें चार टॉपिक्स कौन कौन से हैं, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है। इन मतलब तीन, दो दो तीन तीन एक्सरसाइज डिवाइड की हुई है इनको ना। तो सबसे पहले जो है हमारा टॉपिक है वो आता है सर्कल का ना। अच्छा इसमें ना डेफिनेशन लिखी हुई है, ये एक डायग्राम बनी है कौन, जैसे आप कौन खाते नहीं है बाहर से लेके, उस तरह वो नीचे कौन बनी हुई है। तो अब इसमें हमारे पास ये देखें, एक जो नंबर जो फर्स्ट पे है प्लेन में उन्होंने सीधी मतलब काटी हुई है, कॉनिक सेक्शन और सिंपली कॉनिक्स आर द कर्व ऑब्टेन बाय कटिंग अ डबल राइट सर्कुलर कॉन बाय अ प्लेन, लेट आर एस, ये मतलब ये सारी उनकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। नीचे कह रहा है आर लाइंस थ्रू ए, ए के थ्रू जो भी लाइंस आ रही हैं वो कौन सी हैं, एंड पॉइंट ऑन द सर्कल जनरेट एट राइट सर्कुलर कोन, द लाइंस आर कॉल्ड रूलिंग और जनरेटर ऑफ द कोन। इनमें से डेफिनेशन तो कोई भी नहीं आती होती वैसे, ये इसकी ये एमसीक्यूज में आ सकता है डेफिनेशन है ना। द सरफेस जनरेटेड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स कॉल्ड नेप्स मीटिंग एट द फिक्स्ड पॉइंट ए, ये जो दोनों कोने आपस में मिल नहीं रही जहाँ पे, वो दरमियान वाला पॉइंट, इस तरह की वो मे भी आप लोगों ने फिल्मों में ड्रामों में देखी हो, वो एक होता है जिसमें वो सैंड होती है, रेत होती है, उसको उल्टा करते हैं तो रेत दूसरी मतलब कीफ जो बनी होती है उसमें आ जाती है। यस सर। तो अब जो पहला हमारा टॉपिक है जो जिसमें दो तीन एक्सरसाइज आती हैं वो है हमारे पास सर्कल। सर्कल आपको पता है, आपको सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत पहले भी हाव नाव है। सर्कल की जो हमारे पास होती है इक्वेशन जिसे नॉर्मली हम पढ़ते आए हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, एक्स और वाई हमारे पास उसके एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट होते हैं और जो आर होता है वो हमारे पास होता है रेडियस। और नेक्स्ट हमारे पास जो है सर्कल, इधर से शुरू करते हैं। अब सर्कल की डेफिनेशन उसने बताई हुई है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेन डेट आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। आपको पता है जो फिक्स पॉइंट हमारे पास कौन सा होता है, ये जो है हमारे पास सेंटर में हमारे पास एक फिक्स पॉइंट आ रहा है, ये फिक्स पॉइंट है सेंटर में। इस फिक्स पॉइंट से जिस तरफ मर्जी आपको पता है लेंगे वो सर्कल का जितना भी डिस्टेंस होगा वो सारे का सारा सेम होगा, ठीक है ना। तो उसको उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। और फिर हमारे पास सर्कल का रेडियस अगर डबल हो जाए, डबल द रेडियस, और उस सेंटर में से गुजरे, बेसिकली होता ही सेंटर में से गुजरेगा तो तब भी उसका रेडियस होगा ना, तो ये हमारे पास होता है इसका डायामीटर। फिर इसका सर्कमफ्रेंस आता है, ये वो वाली बातें हैं जो सातवीं आठवीं से हम पढ़ते आ रहे हैं। सर्कमफ्रेंस हमारे पास होता है 2 पाई आर, ठीक है, और इसका जो रेडियस है ये सर्कमफ्रेंस होता है, ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है, उसमें एक क्वेश्चन था पहली एक्सरसाइज में था क्वेश्चन, वो सर्कल को बोल फंक्शन की नहीं एग्जांपल थी। नहीं 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 पहला चैप्टर जो है ना 1.1 है उसमें है, 1.1 क्वेश्चन 3। 1.1 में वो पेरीमीटर को हमने करना होता है एरिया में कन्वर्ट, फंक्शन शो करना होता है, यस सर। वो वाले क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। ए हमारे पास होता है पाई आर स्क्वेयर, ये चीजें बेसिकली हम सारी की सारी पढ़ते आ रहे हैं। और रेडियस होता है हमारे पास डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ करेंगे वो हमारे पास होगा रेडियस। और फिर ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास लाइन क्या होती है, कॉर्ड, ठीक है ना, जो सेंटर पॉइंट से ना गुजरे और सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में कट करे वो कॉर्ड होती है, लेकिन जो सेंटर में से गुजर जाती है वो डायमीटर आ जाती है।
तो ये इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल. द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट एट द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस. वो ही ये बात आपको बता दी, जहाँ से मर्जी चले जाए. और जो सेंटर के पॉइंट होते हैं वो होते हैं एच और के. और नॉर्मली जो हम लेते हैं ना, जो सर्कल लेते हैं, हम सर्कल की ये पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, इसमें होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं हम पॉइंट सर्कल. पॉइंट सर्कल हम क्यों बोलते हैं, पॉइंट सर्कल में हमारे पास इसके जो होते हैं ना, क्या नाम है उसका, सेंटर, सेंटर इसमें होते हैं. ये बेसिकली ऐसे होता है, ये देखें, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में जब हम देखते हैं, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास जब हमारे पास ये सर्कल बनाते हैं ना, तो उसका पॉइंट ये सेंटर जब आ जाता है ना, सेंटर 0 0, तो इसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है इधर, पी से सी का डिस्टेंस. डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा है उसमें, चौथे चैप्टर में, सातवें चैप्टर में भी है. डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, पी और सी का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है. या आप एच में से एक्स माइनस कर सकते हैं, या एक्स में से एच, एक्स माइनस एच उनका स्क्वायर, वाई माइनस के उसका स्क्वायर इक्वल टू किसके आ रहा है, इन दोनों का डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ रहा है, तो वो हमने लिख दिया आर के बराबर. तो इधर से हम दोनों तरफ स्केयर करेंगे. स्केयर करने के बाद हमारे पास ये देखें, ये जनरल इक्वेशन जो है ना, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास इसकी बन गई है. अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी. अब ये पेपर में ना एमसीक्यूज आता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, इसकी जनरल फॉर्म कौन सी है सर्कल की, और इसका पॉइंट सर्कल कब कौन सा होता है, ये पेपर में एमसीक्यूज लाजमी आते हैं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जिसमें हमारे पास उसके सेंटर आते हैं एच और के, एच और के जो हमारे पास इसमें आते हैं सेंटर पॉइंट, एक्स माइनस एच उसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस के उसका स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज एट रीजन, जो आपको अभी बताया, जब ये सेंटर हमारे पास उसका रीजन हो जाए हमारे पास, तो तब उसके सेंटर क्या बन जाएंगे, 0 0. तो सर्कल बिकम्स ये जो हम नॉर्मली शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमें नहीं पता था ये कौन सी क्वेश्चन है. बेसिकली ये क्वेश्चन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म से ही हम आगे मतलब डिडक्शन करते हैं सारी की सारी. तो इधर से हमें पता लगा कि इसमें हम जो उसका सेंटर लेते हैं वो 0 0 लेते हैं. सेंटर जब 0 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. सी कहीं पे भी ले सकते हैं, सी उसने सेंटर पॉइंट है ना, इसके अलावा नहीं कहीं पे ले सकते. कौन से वाला, ये सी को कोई और पॉइंट सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट को सी, उसमें सेंटर वो खुद बता देंगे ना, कि मतलब किसी चीज का वो सेंटर बता देगा हमें, मतलब उसमें सर्कल का. फिर हमने ये फार्मूला तब लगाना है, ये देखो, ये आप ये कह रहे हो कि मतलब ये सी के पॉइंट मतलब इधर 2 आ जाए इधर 3 आ जाए, यही पूछ रहे हो ना. यस सर. हाँ ये सी मतलब इसका सेंटर पॉइंट. अब ये देखो, जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के दरमियान देखते हैं ना, अगर ये हम इधर इधर से बनाते हैं एक सर्कल, ये लेट्स सपोज कर लो इनका 2 2 2 रेडियस है हमारे पास, इक्वल रेडियस होगा. अब ये हमारे पास है, हम इधर से नहीं बनाते, हम बना लेते हैं इधर से सर्कल, हम कहते हैं ये सर्कल बन गई, तो हमारे पास फिर सेंटर पॉइंट उसका ये होगा. यही बात पूछ रहे थे ना. यस सर. सेंटर उसका आगे पीछे, मतलब सेंटर उसका इधर भी हो सकता है. ये तो उसने बता दिया कि अगर सेंटर उसका रीजन पे होता है, देन हमारे पास जो है वो सर्कल वो ये वाली बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो नॉर्मली हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. ये थी भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म. और जब हमारे पास इसके सेंटर होंगे 0 0, तब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर.
फिर उसके बाद हमारे पास ये बता रहा है कि आपको पता है आपने वो फोर्सेस की कंपोजिशन मैट्रिक में 9th में पढ़ी थी। जब भी किसी दो मतलब इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ये वाला लेट्स सपोज ये एक सर्कल थी, सर्कल का यहाँ तक उसका रेडियस आ रहा है, मतलब ये सारी की सारी सर्कल के रेडियस में आ रही है ये वाली ना, ये ऐसे करके, ठीक है। तो इधर से ये भी रेडियस ही बनता है उसका, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस ही है। तो जो वाई कंपोनेंट होता है आपको पता है वो वाई के साथ, वाई वाला कंपोनेंट उसका होता है आर कोस थीटा, और जो एक्स कंपोनेंट होता है उसका वो होता है, सॉरी एक्स कंपोनेंट होता है आर कोस थीटा, और जो उसका वाई कंपोनेंट होता है वो क्या होता है आर साइन थीटा। आपको याद होगा ये भी पहले चैप्टर में, पहली एक्सरसाइज में 7वां या 8वां क्वेश्चन है उसमें ना, जिसमें हमने वो सर्कल का भी पुट करते हैं और लिप्स का हाइपरबोला का भी यही क्वेश्चन भी है उसमें किया है हमने। तो इसमें ये देखो, अब ये इक्वेशन थी, इसको प्रूव करने के लिए ये इसके कंपोनेंट हैं कि नहीं है वो चेक करते हैं। वो ये देखो, ये चेक करने के लिए हमने क्या करना है, एक्स की जगह हमने पुट करना है आर कोस केयर थीटा, आर स्केयर कोस केयर थीटा, क्योंकि आर एक्स की जगह जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो वो दोनों का स्केयर हो जाएगा, प्लस उसी तरह हम वाई की जगह पुट करेंगे तो वाई आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, आर स्क्वेयर दोनों में से कॉमन आ गया तो ये बन गया कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। इधर से ये हमारे पास होता है 1 के बराबर, तो ये आ गया आर स्क्वेयर थीटा जो हमारे पास उसकी राइट हैंड साइड थी, तो ये कंपोनेंट उसके सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरह वो जो हमारे पास है दूसरी इक्वेशंस, आपको शायद याद हो उनकी, पैराबोला और हाइपरबोला, पैराबोला और हाइपरबोला की जो क्वेश्चंस होती है ना उनमें भी इसी तरह कंपोनेंट अगर हम पुट करते हैं ना तो वो उनको सेटिस्फाई करते हैं। वो कंपोनेंट हमारे पास इसी तरह कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, पैराबोला के लिए हमारे पास हम जो बुक में मतलब देते हैं वो मुख्तलिफ हैं, और जो हमारे पास है एलिप्स के लिए वो है ए कोस थीटा, इधर हमने लिखा है ना इधर आर, उधर ए कोस थीटा आता है और इधर बी कोस थीटा आता है, क्योंकि वो क्वेश्चन इस तरह बनती है एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, वो जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म पड़ी थी वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, उसमें ये फॉर्म इस तरह बनती थी। और जो हमारे पास है थर्ड वन हाइपरबोला है, उसके भी जब आएंगे तो वो भी पढ़ेंगे, वो वैसे होते हैं एक्स कंपोनेंट होता है उसका ए साइन थीटा, सॉरी सीकेंट थीटा, सीकेंट और टेन में होता है वो, ए सीकेंट थीटा, वाई होता है हमारे पास बी सी ए बी टेन थीटा, तो उसके दरमियान में जस्ट इधर माइनस आता है, ये वाला पोर्शन बस माइनस आता है हाइपरबोला में, एलिप्स और हाइपरबोला में जस्ट ये फर्क है, ये डिफरेंस है उसमें। लेकिन ये नेक्स्ट आ जाना है हमारे पास, तब हम देख लेंगे। अब ये है जी इसकी जनरल फॉर्म, वो पहले थी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म। ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद होगा, आपने पढ़ा है उसमें डेरिवेटिव लिया था आपने 2.3 या 2.4 में है क्वेश्चन, इसका सिंगल डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव लेते हैं यस आप, सर, सिंगल डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव लेते यस हैं, उसमें सर, थोड़ा सा ना मतलब बताया हुआ है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि ये क्या है क्या नहीं है, बस उसमें ये बता दिया ये फंक्शन है, इसका सिंगल डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव ले लो। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ अ ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो ये जनरल फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ये दोनों आपने मतलब देख लेना है। और एक होती है हमारे पास पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल में अगर हमारे पास वो कहता है कि आर इक्वल टू 0 हो जाए ना, रेडियस हमारे पास अगर 0 हो जाए, रेडियस आपको पता है 0 हो गया तो पीछे वो सर्कल कौन सा बनेगा, रेडियस जब हमारे पास 0 हो उसका पॉइंट सर्कल पॉइंट सर्कल, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर थीटा, ओ सॉरी आर स्क्वेयर, तो
तो ये आ गई अब तीसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास जनरल जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉइंट सर्कल, इन तीनों में से एक आध एमसीक्यूज लाजमी पेपर में वो पूछ लेता है, या इसकी जो है ना आगे जनरल फॉर्म का रेडियस वो पूछता है, रेडियस ही है इसका सेंटर जनरल फॉर्म का ना, इसका आगे आना है ये रेडियस और क्वेश्चन सेंटर आना कैसे है, है? तो वो पूछ लेता है एमसीक्यूज में कि वो कौन सा उसका ये फॉर्मूला क्वेश्चन क्या कैसे होता है। है? अच्छा भी ये जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये तो बेसिकली हमारे पास वही आ गया। अब उसमें हमारे पास सेंटर क्या थे, एच और के स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें हमारे पास इसके सेंटर आ रहे हैं जी और एफ, और ये बेसिकली हमारे पास इसमें कांस्टेंट वैल्यू है जी एफ और सी की, ये आ गया हमारे पास रिप्रेजेंट आ सर्कल। अच्छा अभी ये देखें आगे क्या किया है इन्होंने, एक्स स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स प्लस जी स्क्वेयर, अब ये क्या किया आपको मैं बताता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में जी स्क्वेयर ऐड कर दिया इनका स्क्वेयर बनाने के लिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली जो शक्ल नहीं हमारे पास बनती उस तरह, ये एक्स स्क्वेयर और टू जी एक्स, और इसके साथ हमें क्या चाहिए था जी स्क्वेयर, फार्मूला बन जाना था ना ए प्लस बी का होल का स्क्वेयर, इसी तरह वाई स्क्वेयर प्लस टू एफ वाई और साथ इसके मिला लिया हमने एफ का स्क्वेयर, ये इतना बन गया हमारे पास ये वाई प्लस एफ का होल का स्क्वेयर, और ये जो चीज़ हमने अपनी तरफ से ऐड की थी वो जी स्क्वेयर था एफ स्क्वेयर था वो दूसरी तरफ भी ऐड कर दी, और सी दूसरी तरफ जाके क्या हो गया हमारे पास माइनस, दोनों तरफ हमने ले लिया इसका अंडर रूट, स्क्वेयर रूट जब लेंगे तो स्क्वेयर रूट हमारे पास आपको पता है ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास जब हम देखते हैं ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास किस में आती है, ये देखें ये बन जाएगा हमारे पास जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, ये आपके पास इक्वेशन है एक्स माइनस एच का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का स्क्वेयर इक्वल टू आर का स्क्वेयर। अच्छा अभी ये देखें अभी ये बन गया हमारे पास, अब इधर से थोड़ी इस इक्वेशन को याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म को ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा मतलब इसमें चेंजिंग क्या करेंगे, अब उसमें तो एक्स माइनस एच आर है इधर एक्स प्लस जी है, तो इसको हम माइनस वाली शक्ल में लिख सकते हैं एक्स माइनस माइनस जी इसका होल का स्क्वेयर प्लस, अब वाई माइनस उधर के आता है इधर एफ है तो माइनस में आता है ना, तो इसको भी हम लिख सकते हैं वाई माइनस माइनस एफ होल का स्क्वेयर। अब इसमें हम क्या कहते हैं एच और के क्या है उसके सेंटर है, ये हमारे पास होता है इसका सेंटर, और आर उसका क्या होता है हमारे पास रेडियस। अब इसमें भी देखें सारा कुछ वही काम करना है हमने, वही काम देखना है हमने कि ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास ये अंडर रूट कैसे है? ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वेयर होता है ना एक तरफ, अगर ये ना लेते तो फिर अगर वैसे लेते नहीं फिर काम नहीं ना होना था, अब ये देखो ना दोनों तरफ इधर से हमें कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन ये थी ना हमारे पास कि ये हमारे पास आर स्क्वेयर की शक्ल में होना, ये मैंने आपको इसलिए ये क्वेश्चन साथ लिख दी है एक्स यस माइनस सर। ये दोनों सेंटर आ गए और आर स्क्वेयर है हमारे पास इस क्वेश्चन में, तो हमने भी इसको क्वेश्चन को पूरी को स्क्वेयर में कन्वर्ट कर लिया, स्क्वेयर में कन्वर्ट कर लिया, अब ये देखें ये उसका क्या होगा, अब ये जनरल फॉर्म का रेडियस ये आर के बराबर होगा और इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे सेंटर क्या होंगे माइनस जी और माइनस एफ, जैसे उसके एच और के होते हैं, अब इसके हमारे पास प्लस में आ रहे थे वो हमने एडजस्ट कर लिया उसको माइनस माइनस करके, अब माइनस जी और माइनस एफ हमारे पास है सेंटर किसके जनरल फॉर्म के, और रेडियस हमारे पास उसका बन गया जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी का अंडर रूट, ये हमारे पास इसका हमारे पास आ गया रेडियस, ये फॉर्मूले आ गए हमारे पास सेंटर का भी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के सेंटर और रेडियस, ये हमारे पास जनरल फॉर्म के सेंटर और ये रेडियस,
यही दोनों चीजें हमने आगे क्वेश्चंस में यूज करनी है, इस तरह की क्वेश्चंस होंगी या हमारे पास ये वाली फॉर्म में क्वेश्चंस होंगी, उनमें से हमने सेंटर और रेडियस निकालने, उनको यूटिलाइज करना आगे, या उनमें से ये कह देगा कि जी एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वो वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड आउट करके, वो फाइंड आउट करने का तरीकाकार जो भी क्वेश्चन दी होगी, टू जी बराबर वो रख लेंगे, टू एफ बराबर वाई के साथ जो भी होगा, और सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट की जो भी वैल्यू होगी वो इसमें पुट करेंगे, उधर से हमारे पास रेडियस और ये हमारे पास उसका सेंटर आ जाएगा जो हमारे पास एक्सरसाइज होगी। तो कल फिर इंशाल्लाह इसकी जो 6.1 है उधर से हम करते हैं इसका स्टार्ट, देखेंगे इसकी कोई एग्जांपल भी है अगर तो वो भी साथ कर लेंगे। तो ये था जी हमारे पास सर्कल, सर्कल में हमारे पास हमने देखा उसका रेडियस क्या होता है, डायमीटर, उसका सर्कमफ्रेंस, उसका रेडियस दूसरा जो, और उसका हमारे पास एरिया क्या होता है। फिर हमने सर्कल की इक्वेशंस पढ़ी हैं, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन आई थी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है वो इंशाल्लाह हम कल कल ही कर लेंगे, दो एग्जांपल हैं। तो ये था हमारा आज का ना, और ये इम्पोर्टेंट भी बहुत